हेलो दोस्तों, स्टडी विद एस के सी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं सुमित कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहलाता है। तो चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पहला सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, थर्ड सेरिब्रम और फोर्थ है स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू, मैंने इसको पहले ही कर रखा है, सेरिब्रम। सेकंड क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, किसके कारण रहता है। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सोमेटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, चौथा ऑप्शन है इंसुलिन के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है इंसुलिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है। ऑप्शन वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम या हार्मोन। तो ऑक्सीजन जो होता है वो एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो CO2 की मात्रा 78%, 21%, 4% या 0.03%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू स्ट्रिप वाला, 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हेलियोफाइट्स, सेकंड है थियोफाइट्स, थर्ड है सियोकाइटस और फोर्थ ऑप्शन है इसमें नन ऑफ देम, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ब्लू स्ट्रिप वाला, सियोकाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कहलाता है, सॉरी क्या है, श्वसन अंग क्या है। तो वो है हमारा फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया या क्लोम। तो इसका सही आंसर है फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित होती है, यानी जो श्वसन से जो संबंधित है बीमारी उसको आपको इसमें छांटना है। पहला है डायरिया, दूसरा है TB, तीसरा है निमोनिया और डी ऑप्शन में बी एंड सी दोनों। तो TB और निमोनिया जो है वो हमारे श्वसन तंत्र को से रिलेटेड कहलाती है बीमारी। प्रश्न नंबर 8, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। हाइपोटेंशन, पक्षाघात या हाइपरटेंशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हाइपरटेंशन। अगला क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। पहला ऑप्शन है एमिनो अम्ल, दूसरा है यूरिक अम्ल, थर्ड है यूरिया और फोर्थ ऑप्शन है इसका अमोनिया। तो इसका राइट आंसर है अमोनिया। अगला क्वेश्चन, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। पहला अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं। ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी स्टोमाटा, ऑप्शन डी जड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पत्ती। अगला क्वेश्चन, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी टहनी, ऑप्शन डी तना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है रंध्र। अगला क्वेश्चन, फेफड़े का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार या अंडाकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंक्वाकार। अगला क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। तो ऑप्शन ए रॉबर्ट, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी बेलिस एवं स्टारलिंग और ऑप्शन डी ब्राउन पॉर्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेलिस एवं स्टारलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन आपको समझना है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, यानी जनक
जिसने इसको बनाया वो तो है जनक, और जो यूज़ किया वो ऊपर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो यूज करने वाले कौन थे? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। और जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं हमारे अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 16, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी ट्रेविरेनस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं ऑप्शन ए थियोफ्रेटस, दूसरा डार्विन, ऑप्शन सी है पुरकिंजे, ऑप्शन डी अरस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थियोफ्रेटस। अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो पहला ऑप्शन है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और पुर्तगाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। ये ग्रीक भाषा से ही इसकी उत्पत्ति हुई थी बॉटनी की। क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 20 के 20, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथ्रोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एंथोलॉजी। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे और आपकी तैयारी प्रॉपर चलती रहेगी। इसी प्रकार आप मेहनत करते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।